हेलो स्टूडेंट वी स्टार्ट स्टैंडर्ड एट साइंस चैप्टर नंबर फोर्टीन मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट हीट का मेजरमेंट और इफ़ेक्ट क्या पढ़ते हैं हमको हीट का इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं ओके विच सो सोर्सेज डू वी गेट हीट फ्रॉम कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमको हीट मिलती है हीट मतलब आपको गर्मी मिलती है सन अर्थ फ्यूल लाइक वुड पेट्रोल गैस कोल को हम जलाते हैं तो उससे भी हमको हीट मिलती है इलेक्ट्रिसिटी एटॉमिक एनर्जी एयर इन सब चीज़ों से हमको हीट मिलती है हाउ इज़ हीट ट्रांसफर हीट कैसे ट्रांसफर होती है तो हीट ट्रांसफ़र होती है आपकी कंडक्शन से कन्वेक्शन से और रेडिएशन से विच इफेक्ट ऑफ हीट डू यू नो आप कौन कौन से हीट के इफ़ेक्ट पड़ते हो तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं एक्सपांशन ऑफ चेंजेस देखे हैं राइज इन टेम्परेचर लाइट का इमेशन एंड बर्निंग ये सारे हीट के इफ़ेक्ट हैं ये देखिए आप फिगर्स में भी देख सकते हैं ये हीट से हम पानी को बॉयल कर रहे हैं यहाँ पे मेल्ट हो रहा है हीट की वजह से आइस क्यूब है वो मेल्ट हो रहा है इस लाइट को आ, हमने ही टी इस तरह से जनरेट की है वी हैव सीन इन अ प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हाई temperature टू एन ऑब्जेक्ट एट लो temperature। हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लास में कि हाई temperature से हीट हमेशा किस में ट्रांसफ़र होती है लो temperature में टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एल्स हाउ हॉट और कोल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है वो हमको किससे पता चलता है टेम्परेचर से द टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज लोअर दैन द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट जो भी टेम्परेचर कोल्ड ऑब्जेक्ट रहता है उसका टेम्परेचर कम होता है और कोई जो हॉट ऑब्जेक्ट रहते हैं गर्म ऑब्जेक्ट रहते हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है थर्ज द टेम्परेचर ऑफ आइसक्रीम इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ टी आइसक्रीम का टेम्परेचर कम होगा जिसकी अपेक्षा टी के टेम्परेचर से आपको टी तुरंत गर्म लगती है और आइसक्रीम एकदम कूल लगती है तो टेम्परेचर उसका कम होता है वी हैव ऑल्सो सीन दैट वी गिव हीट टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सपैंड एंड इट कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कूलिंग ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंज ड्यू टू हीट कोई भी ऑब्जेक्ट के एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कूल के होने से मतलब कूल के एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने से हमको हीट का पता चलता है और कुछ मैटर के चेंजेज होने से भी हीट का पता चलता है द यूनिट ऑफ हीट इन एस आई यूनिट इज जूल हीट की यूनिट ऐसा यूनिट में जूल है और सी यूनिट में कैलोरी है सी सिस्टम दैट मीन सेंटी ग्राम सेकेंड्स वन कैलोरीज इक्वलेंट इज़ फोर पॉइंट एटीन जूल ये फिक्स वैल्यू है जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं वन कैलोरी हीट इज हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन ग्राम ऑफ वाटर थ्रू वन डिग्री सेल्सियस ये वन कैलोरीज की डेफिनेशन है कि हीट रिक्वायर्ड होती है जब वन टेम्परेचर इंक्रीज होता है वन ग्राम ऑफ वाटर का किस में वन डिग्री सेल्सियस में तो कितनी हीट एक्सपैंड होती है वन कैलोरीज ओके न्यूमेरिकल से हाउ मच हीट विल बी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वन पॉइंट फाइव के ऑफ वाटर फ्रॉम फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टू फिफ फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस गिव द आंसर इन कैलोरीज एज वेल एज जूल कितनी हीट रिक्वायर होगी एक वन पॉइंट फाइव किलोमी ग्राम वाटर को जिसका टेम्परेचर कहाँ से इंक्रीज करना है फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस से फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तक ओके okay? हमारा मास ऑफ वाटर है वन पॉइंट फाइव के जी और अ ग्राम हम ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमको सी जी एस सिस्टम में भी निकालना है ओके एंड चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस दैन थर्टी डिग्री सेल्सियस ओके अब हमको निकालना है कितना हीट रिक्वायर्ड कितनी ओके हीट रिक्वायर्ड फॉर्मूला है हमारा हीट रिक्वायर्ड इक्वल मास ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर वाटर का मास कितना है फिफ्टीन हंड्रेड और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा हमारा थर्टी डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स थर्टी कैलोरीज तो ये आया हमारा फोर्टी फाइव हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड कैलरीज अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है जूल में फोर्टी फाइव थाउजेंड कैलरीज मल्टीप्लाई वन पॉइंट वन एट जूल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा वन एट एट वन ज़ीरो ज़ीरो जूल सेकेंड न्यूमेरिकल uh, है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ़ वाटर चेंजेस बाय टेन डिग्री सेल्सियस ऑन गिविंग थ्री हंड्रेड कैलोरीज ऑफ हीट वॉट इज द मास ऑफ वाटर तो आपको दिया हुआ है अमाउंट ऑफ हीट गिवेन टू वाटर थ्री हंड्रेड कैलोरीज चेंज इन टेम्परेचर टेन डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी दे दिया है आपको और मास ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ हीट गिवल मास्री हंड्रेड आपको दिया हुआ है एम इंटू टेन देन एम इक्वल थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टेन इज कम थर्टी ग्राम्स सोर्सेज ऑफ हीट अब हीट के सोर्सेज कौन कौन से हम देखते हैं फर्स्ट है सन द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव बाय द अर्थ अ लार्ज हमको सन का, का जो हीट का जो अर्थ में हीट मिलती है सबसे ज़्यादा वो उसका बिगेस्ट सोर्स कौन सा है सन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेट ड्यू टू द न्यूक्लियर फिजन टेकिंग प्लेस इन इट्स सेंटर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है न्यूक्लियर फिजन से फ्यूजन से एटॉमिक uh, सेंटर में इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन न्यूक्लिय न्यूक्ली फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस इसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस को फ्यूजिंग फ्यूजन कराया जाता है हीलियम न्यूक्लियस के साथ और जनरेट होती है हीट इस प्रोसेस में सम ऑफ इट रिच द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट इस तरह से अर्थ में लाइट और हीट जनरेट की जाती है सेकेंड इज अर्थ एज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज हाई जो अर्थ का सेंटर है उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है द अर्थ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट दिस हीट इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी जो अर्थ में से सन की से जो एनर्जी हम लेते हैं वो उसको कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी केमिकल एनर्जी वैन फ्यूल लाइक वोड कोल पेट्रोल एक्सेट्रा बर्न देयर इज अ केमिकल रिएक्शन आपने देखा है वुड कोल पेट्रोल को जला जलते हैं और हमको हीट देते हैं बट ये क्यों होता है इनकी केमिकल रिएक्शन के वजह से बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन किसके बीच में रिएक्शन होता है फ्यूल एंड ऑक्सीजन के बीच में हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन और हीट किस जनरेट होती है फ्यूल एंड ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन योर डेली लाइफ यू हैव सीन सेवरल इक्विपमेंट विच प्रोड्यूस हीट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रेस हीटर ये सारे सोर्सेस हैं इलेक्ट्रिसिटी से जिससे हमें हीट मिलती है अटामिक एनर्जी अजस huge ऑफ हीट इज is produced इन अ वेरी शॉर्ट टाइम when द न्यूक्लियस ऑफ सम एलिमेंट लाइक यूरेनियम थोरियम etc undergo फिजन बहुत सारे अमाउंट में हीट प्रोड्यूस की जा रही है और शॉर्ट टाइम में तुरंत न्यूक्लियस यूरेनियम और थोरियम के अंडरको फिजन से और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है एटोमेटिक एटोमिक एनर्जी सॉरी एटोमिक एनर्जी एयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ अ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड बहुत ज़्यादा हीट हमारे एयर में भी प्रजेंट है अब हम पढ़े हैं टेम्परेचर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कैसे पता चलता है गर्म है ठंडा है तो हम कैसे पता करते हैं उनके टेम्परेचर से और इस टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं थर्मामीटर और जनरली हम हैंड के द्वारा भी टच के द्वारा भी फीलिंग करते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है यहाँ पे एक एक्टिविटी दी जा रही है आपको टेक थ्री सिमिलर वेसल लेट एस्ट कॉल नैम ए बी एन सी ये हम फिगर में देखा हुआ है ए बी सी तीन जार लेंगे फिल ए में हॉट वाटर डालेंगे बी में कोल्ड और पुट सम वाटर फ्रॉम ए एंड बी इन सी और इसमें से दोनों को मिला के सी में डालेंगे डिप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन बी आप इसमें राइट हैंड डालिए इसमें लेफ्ट हैंड डालिए और दो से तीन मिनट के लिए रखिए नॉट डिप बोथ द हैंड्स इन सी वॉट डू यू फील अगर आप सी में डालेंगे तो आपको क्या फील होगा तो जो राइट right हैंड है फाइन स वाटर कोल्ड बिकॉज इट लॉस हीट इन वाटर इन सी द लेफ्ट हैंड फील द वॉटर इज हॉट क्योंकि वहाँ पे हॉट वाटर है इट गेंस हीट फ्रॉम वाटर इन सी तो जो सी वाला है उसमें नॉर्मल रहेगा इवन थ्रू बोथ द हैंड्स आर डिप्ड इन वाटर इन सेम वेस वाटर एट द सेम टेम्परेचर यूर राइट हैंड विल फाइंड द वैटर वाटर टू बी कोल्ड वेल द लेफ्ट हैंड विल बी फाइंड टू बी अट ओके

सो वो फील द नीड ऑफ सम डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर तो हमें नीड थी ऐसे डिवाइस की जो टेम्परेचर मेज़र कर सके ऐसा इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर जो कि आप लोग डेली यूज़ करते हो बहुत फीवर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा अपन रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स डेली यूज़ करते हैं थर्मामीटर का यू हैव रीड अबाउट थर्मामीटर इन द प्रीवियस क्लास इस थर्मामीटर को हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं वॉट आर अ पोटेंशियल एंड अ कायनेटिक एनर्जी द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो बॉडी में स्टोर रहती है स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन में वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी और द एनर्जी पॉजिट के द्वारा हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी हीट एंड टेम्परेचर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है वी नो दैट अ सब्सटेंस इज़ अ मेड ऑफ एटम्स आपको पता है कोई भी सब्सटेंस किससे मिलकर बना है एटम्स से द एटम्स इन अ सब्सटेंस आर ऑलवेज इन मोशन और जो सब्सटेंस के एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं द टोटल कानेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इन अ सब्सटेंस इज़ अ मेजर ऑफ हीट कंटेन इन दैट सब्सटेंस और जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है उसमें हीट मौजूद रहती है वाइल द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज़ रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम और किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो किससे रिलेटेड है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इफ़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल देन टेम्परेचर विल ऑल्सो बी इक्वल अगर दो ऑब्जेक्ट का एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उनका टेम्परेचर भी इक्वल होगा लाइक ए एंड बी शो द वेलोसिटी ऑफ एटम इन गैस एट हाई एंड लो टेम्परेचर ये देखिए इस तरह से ये बता रहा है हॉट गैस है तो ऑब्जेक्ट कैसे मूविंग कर रहे हैं एंड कूल है तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द एरो अटैच टू द एटम्स शो द डायरेक्शन एंड मैग्निट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द यहाँ पे ये जो एरो दिख रहे हैं आपको ये इनके डायरेक्शन बता रहे हैं और इनके लेंथ बता इनके मैग्नीट्यूड बता रहे हैं वेलोसिटी के यहाँ पे ये कूल cool में स्मॉल साइज हैं और हॉट गैस में डायरेक्शन इनका बिग है द वेलोसिटी ऑफ एटम इन द गैस एट हाई टेम्परेचर इज अ लार्जर एंड वेलोसिटी ऑफ एटम्स इट गैस एट अ लोअर टेम्परेचर इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो एटम्स की वेलोसिटी है वो हॉट गैस में हायर टेम्परेचर है और कूल uh, गैस cool में लोअर टेम्परेचर है और कम है द वेलोसिटी ऑफ एटम इन सॉलिड ऑब्जेक्ट आर शोन बाय एरो इन फिगर फोर्टीन पॉइंट थ्री सी ये देखिए ये सॉलेड का दिया हुआ है आपको द एटम इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट आर टाइट टू वन अनादर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन दै जो सॉलिड के ऑब्जेक्ट रहते हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं टाइट रहते हैं क्योंकि इनके बीच में फोर्स रहता है सिर्फ दे कैन बी डिसस फ्रॉम देअर बिकॉज ऑफ अ हीट दे ऑस्केलेट अराउंड देयर फिक्सड पोजिशन हीट की वजह से वो घूमते हैं लेकिन फिक्स पोजिशन में हायर द टेम्परेचर ऑफ़ द सॉलिड फास्टर इज द वेलिसिटी ऑफ ऑस्कुलेशन जब टेम्परेचर हाई रहता है तो ये बहुत ज़्यादा फास्टिंग में मूवमेंट करते हैं सपोज ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस द मास ऑफ ए इजवाइज एंड मास ऑफ बी इज मास बी विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ एटम ए स्ट्राई इज द नंबर ऑफ एटम इन बी

टेक टू स्टील वैसल ए एंड बी एट द सेम साइज फिल समर ए एंड डबल दैट अमाउंट बी एक में हम समाटर लेंगे और बी में उसका डबल लेंगे मेक श्योर दैट द वॉटर इन बोथ वैसल आर दर एट द सेम टेम्परेचर और उनका जो वाटर का टेम्परेचर है वो हम सेम रखेंगे राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ वैसल बाय टेन डिग्री सेल्सियस हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे कितने डिग्री तक टेन डिग्री सेंटी यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प के द्वारा डिड इट टेक द सेम यूनिट टू इंक्रीज द टेम्परेचर इन द टू वेसल हम स्प्रिट uh, लैम्प के द्वारा वाटर को गर्म करेंगे और उनका टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे टेन डिग्री सेल्सियस यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड मोर टाइम टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बी तो जो वाटर इन बी में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसका जो अमाउंट है वो डबल है दिस मीन्स दैट द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर यू हैव टू मोर अमाउंट ऑफ हीट टू पी अगर कोई अमाउंट uh, ज़्यादा है तो उसको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा थर्स इवन टू दॉटर इंटू ए एंड बी हैव द सेम टेम्परेचर जबकि दोनों सेम टेम्परेचर में थे पर जब हमने उसको गर्म किया उनका लेवल टेन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना किया तो ज़्यादा अमाउंट में हीट लग रही थी किसकी कंपैरेटिव ए के कंपैरेटिव बी को टेम्परेचर इज अ मेजर यूनिट ऑफ सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड कैलवीन तीन यूनिट है सेल्सियस फेरनहाइट एंड कैलवीन कैलवीन इज अड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट विद द अदर टू और यूज इन डेली लाइफ कैलविन जो टेम्परे थर्मामीटर है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं साइंटिफिक के लिए और जो टू है अदर जो घरों में हम यूज़ करते हैं फेरनहाइट सेल्सियस डॉक्टर वगैरह घर में भी हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए तो वो सेल्सियस एंड फेरनहाइट द रिलेशन बिटवीन थ्री यूनिट्स इज शोन बाय द फॉलिंग ये फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं एफ माइनस थर्टी टू डिवाइडेड बाई नाइन इक्वल सी अपॉन फाइव ये फारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच में सेल्सियस के बीच में रिलेशन है जिससे हम सेंटीग्रेड में दिया हो तो फारेनहाइट में निकालते हैं फारेनहाइट में दिया हो तो सेंटीग्रेड में निकालते हैं सेकेंड इज के इक्वल सी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलवीन का है C प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट कैलवीन एंड सेंटीग्रेड दोनों का सम स्पेसिफिक टेम्परेचर आर गिवन इन द थ्री स्केल इन द फॉलोइंग टेबल वेरीफाई दैट द वेरीफाइड दिन बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का टू हंड्रेड ट्वेल डिग्री फेरानाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 degree Fahrenheit, 100 degrees Celsius and 373.15 Kelvin. Freezing point of water, 32 degree Fahrenheit may freeze hota water, 0 degree Celsius may freeze hota and 273 Kelvin. Room temperature 72 degree Fahrenheit, 23 degrees Celsius and 296 Kelvin. Boiling point of mercury 356.7 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी माइनस थर्टी एट पॉइंट एट ओके अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हाउ मच विल बी द टेम्परेचर ऑफ सिक्सटी एट डिग्री फेराइट बी इन द सेल्सियस एंड कैलविन आपको सिक्सटी एट डिग्री फेरानाइट को किस में कन्वर्ट करना है सेल्सियस एंड कैलविन में फर्स्ट टेम्परेचर इन फेराहाइट दिया हुआ है आपको एफ एकक्वल सिक्सटी एट डिग्री फेराहाइट और यू कैन फाइंड टेम्परेचर एन सेल्सियस एंड कैलवीन आपको दोनों में फाइंड आउट करना है फर्स्ट हम कर रहे हैं एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इक्वल सी अपॉन फाइव आपको दिया हुआ है सिक्सटी एट माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इक्वल सी अपॉन फाइव ओके सिक्सटी एट में से थर्टी टू लेस करेंगे थर्टी सिक्स अपॉन नाइन इक्वल सी अपॉन फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स इंटू फाइव डिवाइडेड बाई नाइन इक्वल सी नाइन फोरजा थर्टी सिक्स डिग्री ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ये कन्वर्ट हुआ अपना सिक्सटी एट डिग्री फेरनाइट सेंटीग्रेड में अब हमको कन्वर्ट करना है कैलविन में तो के इक्वल सी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव इक्वल आप कन्वर्ट करेंगे ट्वेंटी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव इस कम्स टू नाइन्टी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री कैलविन इस तरह से हम ये कन्वर्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन वैल्यू इज द सेम सेनाइट कौन सी ऐसी वैल्यू है जो दोनों में सेम है तो एफ इक्वल सी लेंगे कंपेरिजन करेंगे एफ इक्वल सी दोनों टेम्परेचर फेराइट सेम है एफ माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इक्वल सी अपॉन फाइव अब एफ़ की जगह हम सी लेते हैं सी माइनस थर्टी टू अपॉन नाइन इक्वल सी अपॉन फाइव ओके सी माइनस थर्टी टू अपॉन फाइव इक्वल नाइन सी फाइव सी माइनस फाइव टू से टेन फाइव थ्री से वन सिक्सटी इक्वल नाइन सी माइनस वन सिक्सटी नाइन सी माइनस फाइव सी देन कम फोर सी इक्वल माइनस वन सिक्सटी सी इक्वल माइनस सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर इज कम फोर्टी माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस इज द सेम ऑफ माइनस फोर्टी डिग्री फैरन हाइट ओके आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिक गीत के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू